आप सभी को मेरी ओर से हरिओम। स्वागत है आप सभी का पंडित गिरीशानंद शास्त्री व्लॉग्स में। आज के इस व्लॉग्स में हम विशेष लेकर आए हैं जो विद्यार्थी कर्मकांड सीखना चाहते हैं, कर्मकांड करना चाहते हैं, कर्मकांड के लिए कोई उपयोगी पुस्तक को ढूंढ रहे हैं कि हमको प्रारंभ में कौन सी पुस्तक को पढ़ना चाहिए जिससे हमको विशेष ज्ञान हो, अथवा कहीं वो यजमान के वहाँ पूजा पाठ आदि करने के लिए जाते हैं तो कौन सी पुस्तक का सहारा लेना चाहिए। अब ऐसी जानकारियाँ आपको कौन बता सकता है कि जो अनुभवी हो अथवा जिसने इन चीज़ों को किया हुआ हो। मैं तो आपको अपने अनुभव के अनुसार बताते रहूँगा, मैंने तो बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया है, इसलिए कोई भी पुस्तक हाथ में आ जाए उससे हम कर लेते हैं। सरस्वती का सम्मान करते रहना चाहिए, ये नहीं कि आपको पूजा पाठ सब कुछ आती है तो आप सारी पुस्तकों को बंद करके सामने रख दीजिए, ऐसा नहीं। आपको भले ही पूरी पुस्तक कंठास्थ भी हो तो भी आपको पुस्तक का सहारा अवश्य लेना चाहिए। तो जो भी नई विद्यार्थी कर्मकांड सीखना चाहते हैं तो कर्मकांड के लिए कौन सी पुस्तक का सहारा हमको लेना चाहिए, आज की इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारी कर्मकांड की पुस्तकें हैं। कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो बाहर दे रखी है ब्राह्मण देवताओं को, कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो अभी मुझे मिल नहीं रही। जो मुझे पुस्तकें मिली वो सारी पुस्तकें मैंने आपको आपके सामने रखी हुई हैं, आप वीडियो में देख सकते हो। अलग अलग प्रकार की पुस्तक है। सबसे पहली पुस्तक है पूजा भास्कर, उसके बाद दूसरी पुस्तक है वृद्ध पूजा पद्धति, उसके बाद तीसरी पुस्तक है जो नित्यक्रम पूजा प्रकाश गीता प्रेस की है, उसके बाद तीसरी पुस्तक ये चौथी पुस्तक है पंचांग पूजन पद्धति है, उसके उपरांत एक वार्षिक पूजा पद्धति है, और उसके उपरांत सर्व उपयोगी जो मुझे सबसे प्यारी पुस्तक लगती है वो है कर्मठ गुरु, और यह भी नित्यक्रम पूजा प्रकाश की, और ये वृद्ध नित्य कर्म पूजा प्रकाश है, और उसके बाद एक अगली पुस्तक है कर्मकांड की वह कर्मकांड भास्कर, और एक है ये है ब्रह्म कर्म सपरिया कर्मकांड प्रयोग। तो ये बहुत सारी पुस्तकें आपको कर्मकांड के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। अब ये इतनी सारी पुस्तकें उनके लिए अच्छी हैं जिनको विविध विविध प्रकार के नए नए श्लोक सीखने हो, नई नई चीज़ें सीखनी हो, नई नई उन्होंने नई नई कोई पूजा में विविधताएं सीखनी हो उसके लिए है। नहीं तो पूजा के जो मंत्र है वो तो सभी पुस्तकों में एक जैसे ही हैं, आपको अलग से कहीं और पुस्तक लाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जो विद्यार्थी प्रारंभ में कर्मकांड सीख रहे हैं और कर्मकांड के माध्यम से विशेष रूप से किसी को प्रभावित कर सके तो उसके लिए सबसे अच्छी पुस्तक जो मेरी नजर में है नए विद्यार्थियों के लिए, जो भी विद्यार्थी नया कर्मकांड सीख रहा है अथवा वो नई नई बार किसी नई जगह पर जाकर कर्मकांड कर रहा है, ऐसे विद्यार्थी को सबसे सुंदर पुस्तक का सहारा लेना चाहिए, वो है पंचांग पूजन पद्धति। इस पंचांग पूजन पद्धति का सहारा जितना हो उतना लेना चाहिए। ये गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है और देखिए मात्र केवल 20 रुपये इसका मूल्य है। तो बड़ी सुंदर पूजन के लिए यह पंचांग पद्धति है, और पुष्पकंडिका और होम विधि सहित भी इसमें दिया गया है। समस्त मांगलिक कार्यों, देव पूजन आदि पंच कर्मकांड के जो पंच भाग है उन समस्त पंच भागों को इसके अंदर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। जो भी विद्यार्थी नया नया कर्मकांड सीख रहा है आप पर देख सकते हैं, इस पुस्तक का नाम है पंचांग पूजन पद्धति, गीता प्रेस की है, गोरखपुर की है, और आप इस पंचांग पूजन पद्धति को बाजार से खरीद कर ला सकते हैं। सबसे सरल पूजन पद्धति है जो नया नया कर्मकांड सीख रहे हैं। देखिए पंचांग पूजन प्रयोग में सबसे पहले आप इसमें स्वस्ति वाचन सीखेंगे, उसके बाद पंचांग पूजन संकल्प करना सीखेंगे, गणेश अंबिका पूजन करना सीखेंगे, कलश स्थापना करना सीखेंगे, पुण्यावाचन सीखेंगे, बोधा यानी ये संक्षिप्त पुण्यावाचन जो है वो भी आप सीख सकते हैं, षोडश मात्र का पूजन सीख सकते हैं, घृत मात्र का पूजनम जिसको धारा के साथ पूजन किया जाता है वो भी सीख सकते हैं, रक्षा विधानम एवं आयुष मंत्र पाठ भी आप इसमें सीख सकते हैं, और दूसरा नवग्रह मंडल पूजन जो विशेष पूजन होता है नवग्रह का, वो हमको कैसे करना चाहिए, देवता दि देवता प्रत्येक देवता पंचलोकपाल देवता दस दिगपाल देवता, वो सारा पूजन आप इसमें सीख सकते हैं। जैसे हम कभी कोई विशिष्ट अनुष्ठान करते हैं तो उसमें नानदेवमुख श्राद्ध किया जाता है, आभ्युदय श्राद्ध किया जाता है, तो उसकी भी विधि आपको इसके अंदर मिल जाएगी, और आचार्य ब्राह्मणों का वर्ण तिलक आदि कैसे करना चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। समस्त अनुष्ठान करने के उपरांत जब आप कोई हवन इत्यादि करते हो तो कुशकंडिका सहित होम विधि समस्त पूजन के उपयोग की बातें आप
आपको इस मात्र केवल छोटी सी पुस्तक है पंचांग पूजन पद्धति आपको इसमें मिल जाएगा। तो मैं नए विद्यार्थियों से और नए जो कर्मकांड को सीखने वाले ब्राह्मण जन हैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये पंचांग पूजन पद्धति को लेकर आएँ और आपको इसमें समस्त वह चीज़ें मिलेंगी जो आप कर्मकांड के लिए प्रयोग में लेकर आना चाहते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी हम कोई ऐसी बड़ी पुस्तक खरीद लेते हैं, इसमें पढ़ते हैं तो एक पूजन यहाँ लिखा होता तो दूसरा पूजन दूसरे पेज में 10-12 पेजों को छोड़कर लिखा होता है, तो हम पन्ने पलटने में रहते हैं, यजमान के मन में कोई दूसरी बात बैठ जाती है, उनको लगता है कि शायद इनको अभी अच्छी तरह से नहीं आता। तो एक ही पुस्तक में जब आपको सब कुछ मिल जाए और क्रम से मिलता है आपको, इसमें जो कुछ भी मिलेगा पंचांग पद्धति की जो पंचक्रम है आपको क्रमानुसार मिलेंगे, सब क्रम से ही लिखे हुए हैं, पुण्यावाचन इसके बाद फिर आपको नवग्रह मंडल, तो आपको सब कुछ इसमें क्रमानुसार मिल जाएगा। तो मैं समस्त विद्यार्थियों से अथवा नए कर्मकांड को सीखने वाले जो भी जिज्ञासु जन हैं उनसे मैं ये आशा और अनुरोध करूंगा कि यदि आप पंचांग पूजन पद्धति को लेकर आएंगे, गीता प्रेस की यहाँ है, तो आपके लिए बड़ा सरल और बड़ा विशेष रहेगा। आप जाइए बाजार में और पंचांग पूजन पद्धति को खरीद कर लाएं, अच्छी तरह से इसका अध्ययन करें और मैं आशा करूंगा कि आप पूजन पाठ में बहुत अच्छा कर्म और विधि का प्रयोग इस पुस्तक के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आप मुझे अवश्य बताएगा और मुझे क्या नया इस ब्लॉग में लेकर आना चाहिए आप मुझे वह भी जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। तब तक आप सभी को मैं प्रणाम करूंगा, वंदन करूंगा, हर हर महादेव।